अगर रिचार्ज की बात किया जाए तो अगर आप खुद का रिचार्ज करते हो या अगर आप रिटेलर हैं तो किसी कस्टमर का रिचार्ज करते हैं तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल करते होंगे। इसमें जो है पहले कैशबैक दिया जाता था, अब कोई भी कैशबैक नहीं दिया जाता है। आपने जो भी रिचार्ज किया वो अमाउंट आपके अकाउंट से कट जाते हैं, लेकिन एक भी जो है कैशबैक वापस नहीं आता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा ऐप लेकर आया हूँ, ऐसा पोर्टल लेकर आया हूँ जिसके माध्यम से आप रिचार्ज करते हैं तो हर रिचार्ज पे जो है कैशबैक आपको मिलेगा। किसी पे 2%, किसी पे 5%, उसी समय आपको विद इन अ सेकेंड आपको कैशबैक मिलेगा, वो भी हर रिचार्ज पे, चाहे वह 50 रुपये का रिचार्ज करे, चाहे वह 10 रुपये का रिचार्ज करे, सभी पे आपको जो है कैशबैक मिलेगा। वो कौन सा एप्लीकेशन है वो सारा जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल पैराडाइज कंप्यूटर। वो कौन सा एप्लीकेशन है जिसमें कैसा क्या क्या कमीशन है, किस कंपनी के रिचार्ज पे कितना कमीशन मिलेगा, वो सारा जानकारी मैं आपको बताऊँ। उसके बाद मैं बताऊँगा इस पर रिटेलर आई डी कैसे लेना है, कैसे आपका रिटेलर आई डी एक्टिव होगा और कैसे इसमें बैलेंस आप ऐड कर सकते हैं, वो सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। अभी हम आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूं। इसका आइकॉन इस तरह से है, यहां पे आप आइकॉन दिख रहा है, इसका नाम है MFPE, यानी ये रिचार्ज का बहुत बढ़िया पोर्टल है। मेरा भी एक शॉप है, मैं वहाँ पर अपना इसी ऐप के माध्यम से रिचार्ज करता हूँ, बहुत सारा कमीशन भी इसमें मुझे कैशबैक मिलता है। तो चलिए इस ऐप का मैं खोल के इंटरफेस दिखा देता हूँ, बाद में लॉगिन कैसे करना है क्या करना है मैं बताऊंगा। जैसे कि हमारा ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, यहाँ जो आप देख रहे हैं 500 रुपया ये हमारा वैलेट का है, वैलेट में इतना बैलेंस है, इससे हम जो भी रिचार्ज करेंगे इस वैलेट से कटेंगे। आपको जो सुविधा मिल रहा है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। इस मोबाइल रिचार्ज वाले ऑप्शन में आपको सारे कंपनी का रिचार्ज आपको मिल जाएगा। यहाँ से डीटीएच का रिचार्ज कर सकते हैं, डाटा कार्ड का रिचार्ज करना हो तो यहाँ से डाटा कार्ड का कर सकते हैं, या पोस्टपेड बिल भरना होगा तो यहाँ से भर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है एक आपको चार सुविधा और बढ़ा दी गई है, जो आपको इंश्योरेंस का बढ़ा दिया गया है। यहाँ से आप बाइक इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, कार इंश्योरेंस कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं और पर्सनल एक्सीडेंटल। जैसे हम बाइक इंश्योरेंस पर क्लिक करते हैं तो आपको मैं बता दूँ, ये एक बाइक इंश्योरेंस जो है बजाज के द्वारा जो है, बजाज एलियांस के द्वारा ये जो है रजिस्टर है। यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं अपना जो है किसी भी कस्टमर का या खुद का जो है आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको कमीशन का चार्ट बता दूं, तो यहाँ से हम आते हैं थ्री लाइन पे। थ्री लाइन पे आने के बाद यहाँ पर आपको कमीशन दिख रहा है, सिंपली इस कमीशन पर हम क्लिक करते हैं। कमीशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको सारा कमीशन मिल जाएगा, जैसे यहाँ ऑपरेटर नेम है और रिटेलर है, रिटेलर को कितना कमीशन मिलेगा ये सारा दिया गया है। जैसे सन डीटीएच का रिचार्ज करते हैं तो 2% का कमीशन है, टाटा स्काई का रिचार्ज करते हैं तो 2%, उसी तरह अगर यहाँ हम जियो का रिचार्ज करते हैं, आइडिया का रिचार्ज करते हैं तो 2.5% है, जियो एक्स का रिचार्ज करते हैं तो 3% है, या जियो मोबाइल का रिचार्ज करते हैं तो यहाँ देख रहे आप 4%, यानी हर रिचार्ज पे आपको जो बढ़िया कमीशन दिया जा रहा है, कैशबैक दिया जा रहा है। अगर आप उसको अगर किसी पेटीएम से रिचार्ज करते हैं या गूगल पे से करते हैं, इसमें आपको कोई भी कमीशन या रिचार्ज कैशबैक आपको नहीं मिलता है। ये तो हो गया इसका सारा कमीशन मिल गया है। मान लीजिए आपको यहाँ बैलेंस ऐड करना है तो सिंपली आप बैलेंस ऐड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें बैलेंस ऐड करने के लिए आपको यहाँ एक QR कोड का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आप इसको QR कोड पे आ जाना है। QR कोड पे आने के बाद यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको भीम UPI और यहाँ पे आपको इस QR कोड शो कर जा रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है, जब स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, जैसा कि हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करना है, आपको फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसा कि हमारा यहाँ फोन पे एप्लीकेशन है, सिंपली हम फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा ये फोन पे एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको QR का आइकॉन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको QR स्कैन करने का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आपके पास अलग से QR स्कैनर का पेपर है तो उसको स्कैन कर सकते हैं, या सिंपली यहाँ इमेज वाले फाइल पे आपको आ जाना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका QR स्कैन शॉट जहाँ भी लिया गया है तो आप उसको स्कैन कर सकते हैं। आपका स्क्रीन शॉट जहाँ से भी लिया गया है उसको स्क्रीन शॉट करना है। कैसे करना है, यहाँ पर आपको शो कर जाए, जैसे रिसेंट में आपको शो कर रहा है, यहाँ पर आपको स्क्रीन शॉट आपको नजर आ जाएगा स्क्रीन शॉट का। चलिए हम इसको स्क्रीन शॉट को सिलेक्ट किए, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेगा कि आपको ये ऑटोमेटिक स्कैन कर देगा। स्कैन करने के बाद जो है आपका एक ऑप्शन दिखेगा इस तरह से, प्लीज वेट कर रहा है, और यहाँ पे आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरह से यहाँ दिया गया है MFPE रिचार्ज, यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जितना भी अमाउंट फिल करना चाहते हैं इसको ऐड कर लेना। जैसे मैं 100 रुपया ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने 100 रुपया सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पे नाउ पे पर क्लिक कर देना है। पे पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका UPI पिन मांगेगा, UPI पिन डालने के बाद जो है
आपको सक्सेस दिखाएगा। यहाँ से आपका पिन मांगेगा, चलिए हम पिन डाल लेते हैं। इसके बाद क्या कर देंगे, टिक कर देना है, इस पर टिक कर देंगे तो आपका जो है ये ट्रांजेक्शन लेगा। यहाँ कनेक्टिंग सिक्योरिटी दिख रहा है, आपका ये सक्सेस हो गया। क्या करना है, यहाँ व्यू डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। व्यू डिटेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका ट्रांजेक्शन आईडी आपको दिख रहा है, सिंपली इस ट्रांजेक्शन आईडी को कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद सिंपली फिर से आपको क्या करना है, MSPE पोर्टल पे आ जाना है। हमारा जो MSPE का ये एप्लीकेशन है, फिर से इस एप्लीकेशन को क्या करना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐड मनी का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली ऐड मनी पे आपको आ जाना है। जैसे हम यहाँ ऐड मनी पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको अमाउंट फिल करने का मांगा जा रहा है। तो आप जितना अमाउंट वहां से पे किया था आपको सिंपली उतना अमाउंट इसमें डाल देना है। तो चलिए हम अमाउंट डाल देते हैं। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी में जो उसको कॉपी किया था उसको यहाँ थोड़ा सा प्रेस करके रखना है और यहाँ पे आपको पेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रेस करते हैं यहाँ पे और पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन आएगा जहाँ पे आपको सक्सेसफुली दिखेगा डन का। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये सर्चिंग ले रहा है और यहाँ पे लिख रहा है डन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंट, अमाउंट विल बी एडेड विद इन 15 मिनट। यानी ये जो आपका सक्सेस हो चुका है और इसमें जो भी अमाउंट है वह 15 मिनट में आपको ऐड कर दिया जाएगा और यहाँ से आप इसको ओके कर देना है। 15 मिनट के बाद देखेंगे तो आपका वॉलेट में ये पैसा बढ़ के यहाँ पे शो कर जाएगा। इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसको रिटेलर या आईडी कैसे मिलेगा। इस आईडी के लिए क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, यहाँ से लॉग आउट करने के बाद यहाँ आपको इस तरह का पेज नया अगर नया ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको रिटेलर आईडी लेना पड़ेगा। रिटेलर आईडी लेना होगा, अगर आपके एरिया में कोई है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, वहां से आप कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एरिया जो भी आपका एड्रेस है वो आप सेंड करेंगे, मैं आपका रिटेलर आईडी बना दूंगा। यहाँ पर देख रहे होंगे क्रिएट अकाउंट का, आपको इस पर क्लिक नहीं करना। अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो कोई भी कैशबैक आपको नहीं मिलेगा और आपका जो है कोई भी इससे आपको कोई भी इनकम भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको फोन नंबर, अपना एड्रेस, अपना ईमेल जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना है, कमेंट में आपको सेंड कर देना है, मैं आपको रिटेलर आईडी बना दूंगा। इसका कोई भी चार्ज आपको देना नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, तो हमारे वीडियो का लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।